तो हेलो गाइस, कैसे आप सब? वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस, आज हमारा फाइनली हो चुका है वॉइस रिवील। तो गाइस, ये मेरा फर्स्ट वॉइस रिवील वीडियो है, तो वॉइस ओवर वीडियो है। तो गाइस, प्लीज़ इस वीडियो को आखिरी तक देखिएगा, और अगर कोई मिस्टेक्स हुई होगी तो प्लीज़ सॉरी। तो गाइस, आज हम खेल रहे हैं बैट वॉर्स डबल्स, और यहाँ पर जैसे कि हम रोज़ खेलते हैं, और यहाँ पर मैं बैट प्रोटेक्ट कर लेता हूँ थोड़ा सा टेराकोटा से। फिर हमने सोचा कि हम रश करने जाते हैं हमारे बाजू वाली टीम को। वैसे मैं स्किन लगाना भूल गया था, तो मैं स्किन लगा देता हूँ। और अब चलो लूटते हैं। TNT के पैसा आ गया मेरे पास, तो मैं एक TNT बाय कर लूँगा और कुछ ब्लॉक्स बाय कर लूँगा। तो यहाँ से अभी हम चलते हैं ग्रीन के बेस में रश करने के लिए। तो यहाँ पर मेरा टीम मेट ब्रिजिंग कर रहा है। अबे जल्दी कर, इतना धीरे धीरे क्यों कर रहा है? मैंने इसके साइड से इसकी बेइज्जती करके एक और ब्रिज बना दिया, क्योंकि ये बहुत स्लो कर रहा था। और ग्रीन इससे पहले और प्रोटेक्ट कर दे, हमको जल्दी से उनके बेस पे पहुंचना था। यहाँ पे ग्रीन का ये ड्रीम आ गया है, ग्रीन ड्रीम, और ये हमारे साथ टीम अप करने की ट्राई करते। तो मैंने सोचा टीम अप करूँ और इसका बैट तोड़ दूँ, लेकिन अपने बंदे ने इसको मारना चालू कर दिया और अब हमने इसका बैट तोड़ दिया। थोड़ी सी लेट टाइम हो गई, वो बंदा मरने के एक सेकेंड बाद वो मरा, और वहाँ पे स्पॉन हो चुका था। और भाई ये बेचारा ड्रीम अकेला, ड्रीम। तो गाइस, हम कितने प्रो हैं, हम लोग यहाँ पे ड्रीम को कॉम्बो मार दिया हमने ओपी वाला। तो गाइस, साबित हो चुका है कि हम ड्रीम से प्रो है। हम यहाँ से थोड़ा लूट कर जाएंगे हमारे बाजू वाले बेस में, हम लोग रेड को मारने जाएंगे। तो फिर रेड ने शायद, ये देखो रेड हमारे सामने अचानक से आ गया, और यहाँ पर स्टीव नूबड़े। तो ऐसे ऐसे ये बंदा भागा और इसने पीछे मुड़ के मुझे कॉम्बो मार दिया, और मैं मर चुका था। तो मेरे को काफ़ी गुस्सा आ गया था इसके ऊपर, तो मैं जल्दी से गया इसको मारने रेड को, और हमारे टीममेट ने उसको मार दिया। यहाँ पे मेरी बेइज्जती कर दी हमारे टीममेट ने, गिरते गिरते बचाया यहाँ पे मैं इस ब्लॉक्स की वजह से। और अभी हम जाने वाले हैं रेड के ऊपर रश करने, देखते हैं। आप आगे आगे देखते रहिए, अब क्या होगा, हम कितने बार जाएँगे उधर। यहाँ पे मैं कुछ ब्लॉक्स बाय कर रहा हूँ, और अभी हम जा रहे हैं रेड के ऊपर रश करने ब्लू के बेस में सबसे पहले। और ब्लॉक पार्कोर करते करते हम जा रहे हैं मज़े लेते लेते। तो मेरा टीममेट पता नहीं कहाँ रह गया, तो मैंने सोचा मैं अकेले ही चले जाऊँ, मेरे को बहुत पुर वाली फीलिंग आ रही। तो सामने से दोनों बंदे आ रहे थे, एक बंदा तो अपने आप ही नीचे गिर गया, वो शायद से ड्रीम जैसा ही बंदा था, मैंने देखा नहीं अच्छे से। और ये बंदा ऊपर चढ़ रहा था, और ये बंदा काफ़ी ज़्यादा उसने टेक्निक लगाए, और ये ऊपर से निकल गया मेरे। मैंने सोचा मैं इनके ऊपर रश कर दूँ, लेकिन उसी टाइम पे उस मेरे टीममेट नूब ने उसको मार दिया। अगर अभी उसने उसको मारा नहीं होता, तो शायद से मैं उसका बैट तोड़ देता, और अभी वो बंदा रिस्पॉन हो जाता इनका दूसरा बंदा, और ये लोग मुझे बैट तोड़ने ही नहीं देते। आप बस देखते रहना क्या होगा। मैंने इनके बेड पर TNT फेंका, और मैं नीचे उतरूँगा, और ये बंदे पूरे बेड के ऊपर चढ़ गया, मैं बेड ही नहीं तोड़ पा रहा हूँ। ये देख लो यार, कितने क्लोज बचा हूँ मैं कि बेड को मैंने ऑलमोस्ट तोड़ देना, मैं पागल हो गया था, तो गुस्सा आ गया था बहुत। और यहाँ पे मैं जल्दी से, मेरे को 26 गोल्ड थे, तो मैंने सोचा कि मैं आर्मर वगैरह बाय कर लूँ, और यहाँ से जल्दी से थोड़े ब्लॉक्स और फायर बॉल, पता नहीं मैं दो बार की बाय करने की सोच रहा था। यहाँ पे मैंने जल्दी से मैं निकल गया वापस उनके बेस पे पुश करने। तो चलिए चलते हैं उनके बेस पे। मस्त पार्कोरिंग करके उसके बेस पे जा रहा हूँ। मेरा टीममेट भी उधर मेरा वेट कर रहा था, और लेकिन आखिरी में उसने शायद से मेरी वेट नहीं की थी, मेरे को याद नहीं है। और इस बार शायद से मैं उनका बैट तोड़ देता हूँ, शायद से, मेरे को याद नहीं है अच्छे से। तो यहाँ से मैंने ऐसे फायर बॉल एक फेंकता हूँ, लेकिन एंड स्टोन था, कोई फ़ायदा नहीं हुआ फायर बॉल फेंकने का। एक ब्लॉक भी नहीं टूटा, तो मैंने ऐसे जल्दी से एक TNT डाल दिया, और मैं इधर से साइड से गया IQ लगा कर, और यहाँ से उनका बैट मैंने तोड़ दिया फाइनली। तो मैं पैनिक हो गया था, और मैं गोल्डन एप्पल खाने लग गया, हाँ। फिर इस ट्री मैं नीचे ही गिर गया ऐसे ही पागल जैसे। फिर अब मैं ज़्यादा, अब थोड़ा मैं खुश था, क्योंकि मैंने उनका बैट तोड़ दिया था कम से कम। तो अब मेरा टीममेट एक जगह अटक गया था, तो मुझे लगा उसका नेट चले गया, मुझे लगा ये मैच तुम हार गए भाई।
क्योंकि मेरा टीममेट जा चुका है, मैं अकेले उन दोनों को नहीं मार सकता था, वो बहुत प्रो बंदे थे। लेकिन अभी मैं ऐसे थोड़े ब्लॉग्स ट्राई कर रहा था, मैं ऐसे देख रहा था, अरे हेलो हेलो, और ऐसा मैं करके सीधा चले गया, और मैंने देखा वो अपना टीममेट हो चुका है वापस ऑनलाइन। और फिर मैं काफ़ी थोड़ा खुश हो गया था मैं, क्योंकि ये मैच जीतने के हमारे चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे। तो मेरे पास फायरबॉल था और यहाँ पे उसके बंदे मैं यहाँ पे स्नाइप करके खड़ा था, और मैंने पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगा कि बंदे उस ब्रिज में जाना, तो गाइस अभी हमने मैंने पता नहीं वहाँ पे क्यों फायरबॉल फेंक दिया, और मुझे लगा वो बंदा उधर जाने वाला होगा। तो अभी मैं वापस एक और फायरबॉल ख़रीदने गया जल्दी से, मैंने सोचा वो भी बाय कर लेता हूँ, मेरे पास 27 गोल्ड था, तो मैंने जल्दी से यहाँ से एक वो पता नहीं यहाँ पे एम्बर्ड वाले वो क्यों ख़रीदा था, मैं गरीब हूँ, और यहाँ पे मैंने जल्दी से एक फायरबॉल बाय कर दिया, और यहाँ से मैं एम करके खड़ा था, क्योंकि उसका जो स्टीव वाला बंदा था वो इधर दौड़ते दौड़ते आने वाला था, और मैंने इधर वापस एक फायरबॉल वेस्ट कर दिया। लेकिन मेरे पास वो था तो मैंने उसको हिट करने की ट्राई की, पहला हिट तो लगा ही नहीं उसको, दूसरा लगा एक बंदे को, और मेरा टीममेट वहाँ पे मर गया नीचे गिर के, उसको मार डाला सामने वाला बंदों ने। तो मैं गया वापस एक फायरबॉल ख़रीदने, और यहाँ से मैं जल्दी से फायरबॉल ख़रीदा, और मैंने थोड़े एरोज भी खरीदे, क्योंकि 4 एरोज बाकी थे मेरे पास, तो यहाँ से 28 एरोज आ चुके थे। तो जो स्टीव वाला बंदा भाग के आ रहा था, मैं यहाँ पे एक फायरबॉल फेंका और फायरबॉल के नॉकबैक से नीचे गिर चुका था। यहाँ पे एक और वो ड्रीम वाले बंदे को मैंने थोड़े से वो एरो मारे, और यहाँ से उसको मैंने 3 हार्ट तक ला दिया था, देख ही सकते हो 5 हार्ट का है, और अभी बंदा यहाँ से 3 हार्ट का हो जाएगा, और देख रहे हो 3.8 हार्ट्स, और वो मरने ही वाला था तभी इधर जाके उसने गोल्डन एप्पल खा लिया। और हमें मेरा टीममेट ब्रिजिंग कर रहा था उसके तरफ, और यहाँ पे ब्रिजिंग करना उसने छोड़ दिया, और वो वापस वो 6 HP का हो गया सामने वाला बंदा। लेकिन अभी देखो मैं उसको कैसे मारूंगा, वो बंदा लिटरली पागल हो गया होगा। और यहाँ पे मैं जल्दी से एक और फायरबॉल बैक कर देता हूँ एमरजेंसी के लिए, और ये फायरबॉल मेरा काफ़ी गंदे वाला मिस हो गया, थोड़े के लिए बच गया, और यहाँ से मैंने उसको एक बो मार के उसको मैंने नीचे गिरा दिया, और यहाँ पे जी हम जीत चुके हैं। तो गाइस आज के लिए सिर्फ इतना ही, मैं होप करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।